Hey guys, what is up? Hope you all doing fine. Welcome back to our channel. Yeah, so agar aap channel pe naye ho to subscribe zarur kar dena. Agar hum first time mil rahe to hi guys, I am Meet Parikh working as a software engineer at Swiggy. So yaar aaj ki video kafi interesting hone wali hai. Aapko bahut kuch samajhne aur janne ko milne wala hai. Abhi baja aayega na video. As a fresher hum kafi curious rehte hain ki companies mein joining ke baad hame kya kaam karne ko milega. Kaisa kaam hoga? Kya pure time coding hi karte rehna padega? कैसे टास्क पे काम करने को मिलेगा और प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स कैसे और क्या काम करते हैं। इतनी खुशी मुझे अब रख। तो वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हाउ द इनिशियल डेज लुक्स लाइक व्हेन यू जॉइन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। देखो जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पहले दिन से ही नहीं बोलेंगे कि ये फीचर पे काम करना स्टार्ट कर दो। पहले थोड़ा टाइम दिया जाएगा सिस्टम को समझने के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चर, कोड बेस ये सब कुछ समझना होता है। और लेट से कि जो टेक स्टैक प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है वो आपके लिए नया है, तो उसको सीखने के लिए भी थोड़ा टाइम देंगे और आप उसको साइड बाई साइड भी सीख सकते हो। और क्या होता है ना, ये सब चीज़ का जैसे कोड बेस, आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट फीचर्स, डेवलपमेंट टूल्स, जो भी सब कुछ यूज़ हो रहा होता है उन सबका KT रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहता है, तो वही देख के हमें सब अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। और कई कंपनीज में क्या होता है, अगर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं रहते तो मैनेजर खुद ही सेशंस अरेंज करवाते हैं सब कुछ समझाने के लिए। इन केस अगर कुछ मिस हो जाए तो हम अपने ऐसे टीममेट को पूछ सकते हैं जिसको सिस्टम का अच्छे से नॉलेज हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इनिशियली, जिससे हम भी सिस्टम से फैमिलियर हो जाए। और आप सोचोगे ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेली अब इसी सिस्टम से काम करना रहता है, और अगर हमें सिस्टम के बारे में ही नहीं पता तो हम काम ही क्या करेंगे। बात तो सही है। और ऐसा नहीं होगा कि पूरी सिस्टम एक ही बार में समझ आ जाएगी। इनिशियली सिर्फ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे हम टास्क पे काम करते जाएंगे वैसे ही हम खुद से ही सिस्टम को डीप में समझते जाएंगे। फिर स्मॉल टास्क से काम स्टार्ट करना रहता है। कुछ एनहेंसमेंट टास्क हो गए, कुछ बग फिक्सेस हो गए, कोई छोटा टेक टास्क हो गया, जिससे कोड बेस से हम और फेमिलियर होते जाएंगे, और उसके बाद ही फीचर रिलेटेड टास्क आएंगे जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे हो गए कुछ इनिशियल डेज। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज स्क्रम फ्रेमवर्क ही फॉलो करती है, उसमें स्प्रिंट्स में काम होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो अजाइल मेथोडोलॉजी और स्क्रम के बारे में, आपको पता चल जाएगा। उसमें बेसिकली स्प्रिंट वाइज प्लानिंग होती है कि अपकमिंग स्प्रिंट में हमें कौन से टास्क पे काम करना होगा, वो सब डिस्कस और प्रायोरिटाइज करने के बाद टास्क डिसाइड होते हैं। और मोस्टली कंपनीज में एक स्प्रिंट एक या दो वीक की रहती है, बट वो वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी। तो स्प्रिंट प्लानिंग में जो भी टास्क डिसाइड होते हैं वो आपको डे टू डे पिक करने होते हैं और काम करना होता है। फिर टीम का रोज डेली स्टैंड अप भी होता है, उसमें सारे टीम मेंबर्स आते हैं और अपडेट देते हैं कि कल उन्होंने क्या किया, आज वो क्या करने वाले, और अगर कोई ब्लॉकर हो तो वो कॉल आउट करते हैं। ब्लॉकर मतलब वो कोई टास्क में फंसे हुए हो तो उनको कॉल आउट करना पड़ता है। और ये सारे टास्क और टास्क के स्टेटस मैनेज करने के लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं, जैसे जीरा, नोशन, ट्रेलो। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो क्या यूज़ करते हैं। बस तो एक बार स्टैंड अप हो गया फिर अपने प्लान टास्क पे काम करना स्टार्ट करो, और कोई ज़रूरी मीटिंग्स या डिस्कशंस हो तो वो भी अटेंड करने रहते हैं। डिटेल में हम और आगे समझते आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ टास्क यू विल वर्क ऑन। तो पहले अनाउंसमेंट टाइप कुछ टास्क हो सकते हैं, अगर कुछ एग्जिस्टिंग फीचर में अनाउंसमेंट करना हो या तो कोई न्यू फीचर अनाउंसमेंट हो तो ऐसे टाइप के टास्क आ सकते हैं। सेकेंडली बग फिक्सेस रिलेटेड टास्क हो सकते हैं। देखो प्रोडक्ट में बग्स तो आते रहेंगे जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज़ होगा, नए फीचर्स डेवलप होंगे, एग्जिस्टिंग फीचर्स चेंज होंगे, तो कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि जिसमें बग्स ही ना हो। बग्स कस्टमर थ्रू आ सकते हैं, QA थ्रू आ सकते हैं, सिस्टम थ्रू आ सकते हैं, कोई दूसरे स्टेक होल्डर थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये बग फिक्सेस रिलेटेड टास्क भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। नेक्स्ट होते हैं फीचर रिलेटेड टास्क। इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फीचर हो गया या तो फिर एग्जिस्टिंग फीचर का रिवैम्प हो गया, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि फीचर्स पे काम करने का क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हो सकते हैं टेक बैकलॉग टास्क। देखो हम जो कोड बेस यूज़ करते हैं उसको अप टू डेट तो रखना पड़ता है, उसके लिए टेक बैकलॉग मेंटेन करते हैं। उसमें मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन और स्टेबिलिटी रिलेटेड टास्क लगे कि ये इम्प्रूव हो सकता है तो वो सब कुछ हम टेक बैकलॉग में डालते हैं। और ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग जो मैंने आगे वीडियो में बताया था, हम ये टेक बैकलॉग में से टास्क प्रायोरिटाइज करके पिक कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ विल यू वर्क ऑन फीचर रिलेटेड टास्क एंड व्हाट विल बी द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसका इंटरनल प्रोसेस डिफर हो सकता है कंपनी टू कंपनी, बट ऑन हाई लेवल जो फ्लो रहता है वो हम समझते हैं। तो यार देखो कोई एग्जिस्टिंग फीचर में चेंजेस आते हैं या तो कोई न्यू फीचर आता है तो हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करना होता है जैसे हम पर्सनल प्रोजेक्ट्स में करते हैं। यहाँ फ्लो को समझते कि क्या करना होता है तो पहले हमें समझाया जाता है कि हम कौन सा न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं या तो क्या एग्जिस्टिंग फीचर चेंज कर रहे हैं,
जो भी सारे चेंजेस होते हैं उसके डिजाइन हम लोग नहीं डेडिकेटेड डिजाइन टीम होती है वही प्रिपेयर करती है। तो हमें अगर कुछ भी डाउट्स और डिजाइंस के रिलेटेड तो हमें डिजाइनर्स के साथ ही डिस्कस करना रहता है। फिर जो भी ये फीचर चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम लोग एक डिजाइन डॉक बनाते हैं। इसमें फीचर के सारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हाई लेवल अप्रोच क्या रहेगा, लो लेवल डिजाइन, फिर टास्क ब्रेकडाउन, फिर एस्टिमेट्स, ये सब हमें देना पड़ता है। अगर आपको हाई लेवल डिजाइन लो लेवल डिजाइन के बारे में नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ हमें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। इसमें फिर बेस्ड ऑन चेंजेस फ्रंट एंड टीम और बैक एंड टीम बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर कोई न्यू API इंट्रोड्यूस हो रही हो या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग API में चेंजेस हो तो वो सब कुछ डिस्कस करते हैं और क्लियर आउट करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि डिजाइन डॉक क्यों बनाना, तो देखो इससे ना सारे स्टेक होल्डर्स को पता रहता है कि फीचर कैसे डेवलप होने वाला है और फ्यूचर में अगर हमें कुछ माइनर चेंजेस करने हो तो हमें ये डॉक के थ्रू पता रहेगा कि हमने फीचर को कैसे डेवलप किया था, क्या क्या चेंजेस किए थे। तो पैरेलली ये डिजाइन डॉक हम सीनियर से रिव्यू करवाते हैं ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो डेवलपमेंट करने से पहले ही पता चल जाए। तो एक बार जब सारे ओपन क्वेश्चंस क्लोज हो गए हो, पता चल गया हो कि क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद ही हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें और भी स्टेप्स रहते हैं डेवलपमेंट के बाद, जो टेस्टिंग फेज है, रिलीज फेज है, बट वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, विल यू बी कोडिंग ऑल द टाइम इन अ डे, व्हाट थिंग्स विल यू बी डूइंग अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट। तो यार नहीं, पूरे दिन कोडिंग नहीं करना होता। अगर कुछ फीचर आ गया जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया तो हमें कुछ टाइम स्पेंड करना होगा डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उस टाइम हमें कोडिंग पे ध्यान नहीं बट सॉल्यूशन पे ध्यान देना होगा कि हम इस फीचर को कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या चेंजेस लगेंगे। फिर कई बार POCs भी करने पड़ सकते हैं जिसमें हमें फिजिबिलिटी पता करनी होती है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, टेक्निकली ये कर सकते हैं कि नहीं। और कुछ टाइम हम डीबगिंग में भी जा सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्शन इशू आ गया उसका रूट कॉज पता करना होता है और उसके बाद वो रूट कॉज फिक्स करना पड़ता है। फिर मीटिंग्स में भी टाइम जा सकता है, जैसे स्टैंडअप्स हो गया, कुछ इश्यूज या कोई और चीज़ डिस्कस करनी हो तो उसके लिए भी मीटिंग्स करनी पड़ती है। फिर PR रिव्यूज़ में भी टाइम जा सकता है। इनिशियली एज अ फ्रेशर तो आप PR रिव्यूज़ नहीं करोगे बट आगे जाके आपको करना पड़ सकता है तो उस चीज़ में भी आपका टाइम जाता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑन कॉल। उसमें मोस्टली क्या रहता है, जो भी टीम होती है फ्रंट एंड बैक एंड वो सब बारी बारी ऑन कॉल होते हैं, एक बंदा फ्रंट एंड से एक बंदा बैक एंड से। बेसिकली ऑन कॉल में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन सपोर्ट चाहिए होता है वो ऑन कॉल प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन में कोई इशू आ गया या तो कोई सिस्टम अलर्ट आ गया, उसको डीबग करने में, रूट कॉज ढूंढने में, या तो किसी को हेल्प या सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग दिस सिस्टम, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑन कॉल की। तो उस टाइम पे भी डेवलपमेंट कम ही रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे टाइम कोडिंग ही करते रहना है। तो यार आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि फ्रेशर्स आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। कुछ प्रोसेसेस कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकते हैं बट ऑन अ हाई लेवल यही सब कुछ फॉलो होता है। अगर आपको कुछ और जानना हो या कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।